अभी तक हमने क्या करा था कि ये जाना था कि लाइफ साइकिल्स अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होती है प्लांट्स के अंदर, लाइफ साइकिल कैसी होती है, हैप्लोइड गैमेट्स तो क्या प्रोड्यूस करते हैं हैप्लोइड गैमेटोफाइट्स, और स्पोर्स क्या प्रोड्यूस करते हैं डिप्लोइड स्पोरोफाइट्स। ठीक है जी, तो उसके बाद हमने जाना था कि लाइफ साइकिल क्या है, तीन प्रकार की है, अलग अलग प्लांट ग्रुप्स और इंडिविजुअल डिफरेंट पैटर्न शो करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कसिंग अबाउट हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, कि हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल जिसमें प्लांट बॉडी कैसी होगी, एन होगी। तो हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में होता क्या है, देखो मैं आपको ये इस डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। ये मान लीजिए गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है, इस गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी ने गैमेटोजेनेसिस के थ्रू क्या करा, दो गैमेट्स बनाए, ठीक है जी, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनाए होंगे। तो जो क्या है एंथ्रोजोइड है, मेल गैमेट होगा, ठीक है जी, एंथ्रोजोइड में क्या है, देखो ये तो क्या होगा एग, फीमेल होगा, ठीक है जी, और ये क्या होगा एंथ्रोजोइड, बायोफ्लैजिलेटेड था, ठीक है जी, ये हमने रख लिया मेल गैमेट। ये दोनों ने क्या करा, फर्टिलाइजेशन कर दिया, सिनगैमी कर दी, सिनगैमी करके इन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, जाइगोट, क्या कर दिया जाइगोट, और जाइगोट प्रोड्यूस होते ही, ठीक है जी, ये यहाँ से आना है कट, सॉरी यहाँ पे गत लग गया, ये जो चार बने हैं ये हैप्लोइड्स है, जाइगोट बनते ही क्या हुआ, जाइगोट ने क्या करा, बनते ही स्पोरोफाइट बनाया, उसने अपने आप को डिवाइड किया था दो में, तभी क्या हो गया, जाइगोट बनते ही तुरंत ही क्या हो गई, मियोसिस हो गई, और मियोसिस होने के कारण क्या बने आगे, जो स्पोर्स बने वो एन नंबर ऑफ स्पोर्स बने, उन एन नंबर ऑफ स्पोर्स ने क्या है फिर से थैलस क्रिएट किया, और थैलस ने क्या है वही हैप्लोइड बॉडी बना दी, थैलस ने क्या करा वही हैप्लोइड बॉडी बना दी, और इसको हमने लाइफ साइकिल को कहा हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। सो देख लेते हैं कि जो स्पोरोफाइटिक जनरेशन है वो वन सेल जाइगोट है, ये सिंगल सेल जाइगोट की होती है, इसमें कोई भी फ्री लिविंग स्पोरोफाइट्स नहीं होते, और ये सिंगल सेल जाइगोट क्या है मियोसिसली डिवाइड करके क्या बनाता है, हैप्लोइड स्पोर्स बना देता है, जो क्या करता है हैप्लोइड प्लांट बॉडी बना देते हैं फिर से ऐसे ही, ठीक है जी। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हैप्लोइड स्पोर्स, मियोसिस होने से जाइगोट के अंदर क्या बनते हैं हैप्लोइड स्पोर्स, और हैप्लोइड स्पोर्स क्या करते हैं डिवाइड करते हैं माइटोटिकली और क्या बना देते हैं गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट बना देते, जो ये डोमिनेंट जो ये वर्चस्व फोटोसिंथेटिक फेस है प्लांट्स का वो क्या है, डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज इन सच प्लांट इज फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, क्या रहता है फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, और ऐसी लाइफ साइकिल को हम क्या कहते हैं हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, क्या कहते हैं हैप्लोन्टिक लाइफ साइकिल। काफ़ी सारे एल्गे जैसे कि वॉल्वेक्स स्पायरोगायरा और क्लाइमेटोमोनस की कुछ स्पीसीज यही लाइफ साइकिल शो करती हैं, सम स्पीसीज ऑफ क्लाइडेमोनस यही लाइफ साइकिल शो करती है, क्या करेंगी कि सिंगल सेल जाइगोट होगा वो क्या करेगा मियोसिस करके अपने आप को डिवाइड कर देगा, डिवाइड होने के बाद क्या है हैप्लोइड स्पोर्स फॉर्म होंगे, हैप्लोइड स्पोर्स क्या करेंगे हैप्लोइड गैमेटोफाइट बनाएंगे माइटोटिकली डिवाइड करके, और वो आगे क्या करेगा प्लांट बॉडी को प्रोड्यूस कर देगा, ठीक है जी। तो जो ये डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक फेज है इन प्लांट्स में वो क्या है फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, और इसको हमने क्या कहा हैप्लोन्टिक, और लाइफ साइकिल को क्या कहा हैप्लोन्टिक। देन लेट्स डिस्कस अबाउट द डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल, डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर देख लेते हैं कि क्या होता है। डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में बच्चों सीधा इसका उल्टा होता है, डिप्लोन्टिक लाइफ साइकिल में क्या प्लांट बॉडी कैसे होती है स्पोरोफाइटिक, जैसे कि हमने एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में देखा था कि डिप्लोइड प्लांट बॉडी है, डिप्लोइड प्लांट बॉडी ने क्या करा डिप्लोइड प्लांट बॉडी के अंदर क्या है गैमेटोफाइट्स बने, गैमेटोफाइट्स ने क्या करा प्रोड्यूस हुए आगे गैमेटोजेनेसिस के थ्रू, मेगास्पोरेंजिया से तो क्या हुआ हैप्लोइड मेगास्पोर्स आए, और माइक्रोस्पोरेंजिया से हैप्लोइड माइक्रोस्पोर्स आए, इन दोनों माइक्रोस्पोर्स ने क्या करा मिलकर सिनगैमी करी, और सिनगैमी करते ही क्या बना जाइगोट बन गया,
और जाइगोट कैसा रहा डिप्लोइड, और ये जाइगोट मियोसिस की बजाय माइटोटिकली डिवाइड होता रहा और उसने क्या करा स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी बना दी, जिसके रूट से लेके ऊपरले तने तक, ऊपरली बॉडी तक, उसके फ्रूट तक सब कैसा है डिप्लोइड। तो इस फेज के अंदर क्या है, जो हैप्लोइड फेज होते हैं वो कितना था, जो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी फेज था वो कितना था, वो गैमेट्स की फॉर्मेशन से फर्टिलाइजेशन तक ही था। सिर्फ गैमेट बन रहे थे मेल और फीमेल और वो फ्यूज हो रहे थे, सिर्फ इतना ही गैमेटोफाइटिक फेज था, इससे ज्यादा ये कुछ नहीं था। ठीक है जी, इसलिए इसको डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल कहते हैं। पर इतना होते हुए भी जो गैमेटोफाइटिक फेज है वो किसी भी तरह से स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होता। सो दिस इज नोन एज डिप्लोइडिक लाइफ साइकिल। तो वही बात देखो, जो डिप्लोइड स्पोरोफाइट इज द डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेज ऑफ प्लांट, जो डिप्लोइड स्पोरोफाइटिक है वो क्या है, डोमिनेंट फोटोसिंथेटिक इंडिपेंडेंट फेज है प्लांट्स का। जो गैमेटोफाइट फेज है वो रिप्रेजेंट होता है टू रिप्रेजेंट बाय द सिंगल टू फ्यू, सिंगल से कुछ सेल्स के द्वारा, जिन्हें हैप्लोइड गैमेटोफाइट कहते हैं। और इस काइंड की लाइफ साइकिल को हम डिप्लोइंटिक कहते हैं। क्या कहते हैं, डिप्लोइंटिक। ठीक है, देखो ये था स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी थी। स्पोरोफाइटिक प्लांट बॉडी ने क्या करा, के अंदर क्या थे, मेल और फीमेल थे। ठीक है जी, पोलन, हम एंजियोस्पर्म की ही बात कर लेते हैं। एंजियोस्पर्म में क्या है, पोलन ग्रेन्स और ओवरी है। पोलन ग्रेन्स ने क्या करा, माइक्रोस्पोर्स बनाए। ठीक है जी, माइक्रोस्पोरेंजिया जो एमएमसी थी, मदर सेल थी, माइक्रोस्पोर्स स्पोर मदर सेल थी, उसने क्या करा, मैंने बताया था जब भी मदर सेल आती है वो मियोसिस करती है, मियोसिस करके गैमेट बना लिए थे मेल, और मेगास्पोर मदर सेल ने एमएमआर ने भी क्या करा था, मियोसिस करके फीमेल गैमेट बना लिया था। ठीक है जी, ये दोनों गैमेट कैसे थे, हैप्लोइड थे। ठीक है जी, इन्हें हम क्या कहते हैं, जिम्नोसियम और एंड्रोसियम। ठीक है जी, सो मेल और फीमेल गैमेट दोनों क्या थे, क्या थे बच्चों बताओ यार, क्या थे, हैप्लोइड। दोनों कैसे थे, हैप्लोइड। तो इन्होंने, ठीक है जी, हैप्लोइड थे, इन दोनों ने फ्यूज हुए। ठीक है जी, हैप्लोइड थे, इन्होंने क्या बनाया, गैमेटोफाइट, हैप्लोइड गैमेटोफाइट्स बना लिए। दोनों हैप्लोइड गैमेटोफाइट्स मेल एंड फीमेल विल अंडर गोइंग टू गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में गई, सिनगैमी हुई, सिनगैमी होने के बाद ये क्या हुआ, दोनों फ्यूज हो गए, और फ्यूज होकर उन्होंने क्या बना लिया, डिप्लोइड जाइगोट। और ये डिप्लोइड जाइगोट आगे मियोसिस करने की बजाय माइटोसिस करता है, और पूरी की पूरी प्लांट बॉडी कैसी बन जाती है, स्पोरोफाइटिक। प्लांट बॉडी कैसी बन जाती है, स्पोरोफाइटिक। तो इसको हम कहते हैं डिप्लोइंटिक लाइफ साइकिल, जिसमें जो ज़्यादा फेस है लाइफ का वो कैसा है, डिप्लोइड है। तो इसको हम कहते हैं डिप्लोइंटिक लाइफ साइकिल। और जो हैप्लोइड गैमेटोफाइटिक फेस है वो बिल्कुल ही एक सेल से लेकर थोड़ा सा है, मैंने आपको बता ही दिया वो कितना था, गैमेट्स के प्रोड्यूस होकर फ्यूज होने तक का जो फेस था वो इसके अंदर हैप्लोइंटिक है। देन आता है हैप्लोडिप्लोइंटिक लाइफ साइकिल। वो ये क्या है, ये उन प्लांट्स में होता है जो हैप्लोइड और डिप्लोइड दोनों लाइफ अपने जीवन के अंदर दोनों फेस शो करते हैं, और ये मेनली शो करते हैं ब्रायोफाइट्स एंड ट्रेडोफाइट्स। तो हैप्लोडिप्लोइंटिक लाइफ साइकिल इसके अंदर क्या होता है, कि इसके अंदर क्या होगा कि मान लीजिए हैप्लोडिप्लोइंटिक के अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस हुए, स्पोर्स ने एन नंबर ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस हुए, उन्होंने क्या बनाया, देखो स्टार्टिंग से आपसे बता रहा हूँ, स्पोरोफाइटिक बॉडी थी, मियोसिस हो गया, मियोसिस होके एन नंबर ऑफ स्पोर्स बन गए। ठीक है जी, स्पोरोफाइटिक बॉडी में क्या था, स्पोरेंजिया था, स्पोरेंजिया ने स्पोर्स को प्रोड्यूस करा, स्पोर्स ने क्या करा, मियोसिस करके एन नंबर ऑफ स्पोर्स रह गए, एन नंबर ऑफ स्पोर्स ने क्या करा, मेल और फीमेल गैमेट्स बनाए होंगे, एंट्रीजोड्स और आर्किगोनियम, आर्किगोनियम इन्होंने क्या करा, गैमेटोजेनेसिस करके सिनगैमी कर दी, और सिनगैमी होने के बाद, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बन गया, और जाइगोट ने एल्गी की तरह एकदम से मियोसिस ना करके स्पोरोफाइटिक बॉडी बनाई। और स्पोरोफाइटिक बॉडी क्यों बनाई, क्योंकि हमें पता है जो ब्रायोफाइट्स थे, ट्रेडोफाइट्स थे, वो क्या है, वाटर के अंदर नहीं रहते थे, जो ब्रायोफाइट्स थे वो वाटर के बाहर थे, वाटर सरफेस पे रह रहे थे, और उन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की जरूरत थी, पर इन्हें बाहर रहना जरूरी है, अगर ये पानी के अंदर रहेंगे तो ये मर जाएंगे, डूब जाएंगे, बिल्कुल ही अंदर रहेंगे तो। तो इन्होंने क्या करा कि एकदम से जैसे इनका जाइगोट बना, उसमें मियोसिस करने की बजाय
इन्होंने क्या करा, स्पोरोफाइटिकली अपने आप को क्या करा, ग्रोथ करा और अपने आप को और बड़े होने का मौका दिया। क्यों दिया? क्योंकि भाई देखो, अब वाटर के अंदर है एल्गी तो जिंदा रह सकते पर ये जिंदा नहीं रह सकते। अब ये मान लीजिए जब दो बने हैं, दो या चार बने होंगे मान लीजिए, ठीक है, वो चार अगर उसी टाइम मियोसिस के तुरंत बाद डिवाइड हो जाते तो एक दो तो ऊपर रह जाते सरफेस से, बाकी पानी के अंदर चले जाते, तब क्या था, वो मर जाते। तो इनके चांसेस ऑफ सर्वाइवल कितने हो जाते, बहुत ज़्यादा कम। इसलिए प्लांट बॉडी क्या करती है, अपने आप को स्पोरोफाइटिक फेज में माइटोटिकली डिवाइड करके वहीं पर बड़ा होने देती है। फिर कुछ सेल्स क्या करते हैं, मियोसिस के अंदर जाते हैं और मियोसिस के अंदर जाने के बाद क्या करते हैं, गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी बनाते हैं। तो इसमें हमने देखा कि आदि जो लाइफ थी वो किस पर डिपेंडेंट है, स्पोरोफाइट है और आदि गैमेटोफाइट है, ठीक है जी। जैसे कि आपने मोसिस के अंदर देखा था, मोसिस के अंदर जो सीधा तने जो पाइप जैसा स्ट्रक्चर था, ठीक है जी, वो क्या था, वो स्पोरोफाइटिक था। और जो नीचे रूट राइजोड्स थे वो कैसे थे, जो बॉडी थी वो कैसी थी, वो हैप्लोइड थी। और स्पोरोफाइटिक बॉडी क्या थी, हैप्लोइड पर डिपेंड थी अपने न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है जी। तो उसको हमने क्या कहा था, हैप्लो डिप्लोटिक लाइफ साइकिल, क्या कहा था, हैप्लो डिप्लोटिक लाइफ साइकिल, ठीक है जी। सो वही बात इसके अंदर कही गई है कि ब्रायोफाइट्स और ट्रेडोफाइट्स ऐसी कंडीशंस को, अवस्था को प्रदर्शित करते हैं। दोनों फेज कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। जो डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक थैलोइड और इरेक्ट फेस होगा वो रिप्रेजेंट किया जाएगा हैप्लोइड गैमेटोफाइट से, ठीक है जी। ये अल्टरनेट करता है शॉर्ट लिविंग मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइटिक टोटली और पार्शली डिपेंडेंट ऑन द गैमेटोफाइटिक फॉर इट्स एनकार्ज और न्यूट्रिशन, जो किस पर डिपेंड कर रहा है। और इसमें क्या था, जो मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइटिक था शॉर्ट लिव्ड वो किस पर डिपेंड था, वो गैमेटोफाइट के ऊपर डिपेंड था अपने न्यूट्रिशन के लिए, इसलिए इसको हैप्लोडिप्लोटिक लाइफ साइकिल कहा गया। और सारे ब्रायोफाइट्स ऐसा ही रिप्रेजेंट करते हैं उनकी लाइफ साइकिल को, आप एक बार ध्यान से देखिएगा। मैंने करवाई भी थी ब्रायोफाइट्स की कि कुछ सेल्स प्लांट बॉडी बनाने से पहले क्या है, गैमेटोफाइट प्लांट बॉडी के साथ जुड़कर रहते हैं और उनसे क्या है अपना न्यूट्रिशन और एनकरेज लेते रहते हैं कुछ। लेकिन ट्रेडोफाइट्स के अंदर क्या होता है, उल्टा होता है इसका। ट्रेडोफाइट्स के अंदर जो डिप्लोइड स्पोर्स थे वो रिप्रेजेंट करते हैं डोमिनेंट इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक वैस्कुलर प्लांट बॉडी। क्यों वैस्कुलर प्लांट बॉडी, क्योंकि इनके अंदर वैस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट आने लग गया था, ठीक है जी। बिल्कुल सही से किस में आया था, जिम्नोस्पर्म्स में, जाइलम फाइलम नहीं थे पर वैस्कुलर सिस्टम इनमें आने लग गया था। इस पैटर्नर को, जो ये पैटर्न है कि जिसके अंदर दोनों लाइफ हैप्लोइड और डिप्लोइड दोनों लाइफ फेज एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, एक फेज दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है जी, उसको हमने क्या कहा, आपने देखा होगा स्पोरोफाइट क्या थे, गैमेटोफाइट पे डिपेंड थे, उसको हम कहते हैं हैप्लोडिप्लोटिक साइकिल, ठीक है जी। इसमें क्या था, अल्टरनेट विद मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइटिक ऑटोट्रॉपिक इंडिपेंडेंट बट शॉर्ट लिव्ड हैप्लोइड गैमेटोफाइट, ठीक है जी। अल्टरनेट करता है मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइटिक या ऑटोट्रॉपिक, जो इंडिपेंडेंट है लेकिन शॉर्ट लिव्ड है गैमेटोफाइट्स, और ट्रेडोफाइट्स शो दिस पैटर्न, सभी ट्रेडोफाइट्स ये पैटर्न शो करते हैं। इसके अलावा कुछ एल्गी जैसे इक्यूलेप्टस, यूकिकार्पटस भी क्या है, और स्पाइरोगाइरा, कुछ एल्गीज हैं जो क्या है हैप्लोडिप्लोटिक लाइफ साइकिल शो करती हैं, ठीक है जी। सो आज का लेक्चर के लिए इतना ही। स्टे सेफ, स्टे एट होम, हैव अ नाइस डे।